खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूँ अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। सेप्टिक टैंक में कार्य के दौरान मिट्टी में दबने से दो कामगारों की गई जान। कहरानी की पॉलीमर फैक्ट्री में सामने आया दर्दनाक हादसा। मध्य प्रदेश निवासी मिस्त्री के अलावा 5 माह की गर्भवती महिला श्रमिक ने तोड़ा दम। पिता ने पुत्री से किया रेप और मां ने करवाई FIR। अलवर में फिर सामने आई शर्मनाक घटना। वहीं राजगढ़ में महिला से पड़ोसी ने किया दुष्कर्म। पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह को पुत्र के साथ गुरुग्राम किया रेफर। एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसे में मानवेंद्र सिंह की पत्नी की हुई थी मौत। वहीं हादसे का CCTV वीडियो भी आया सामने। और अवैध शराब के साथ पकड़े गए बंदी की किशनगढ़ वास जेल में गई जान। तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में करवाया था दाखिल। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। भिवाड़ी के कहरानी औद्योगिक क्षेत्र में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहाँ स्थित प्रयाग पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सेप्टिक टैंक बनाते समय मिट्टी में दबने से महिला मजदूर और एक मिस्त्री की जान चली गई। जिस समय हादसा हुआ उस समय दोनों ही करीब 10 फीट गहरे गड्ढे में उतरे हुए थे। इस दौरान अचानक मिट्टी धस गई। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकालकर उप जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस के अनुसार मध्य प्रदेश के रामकिशन और वंदना सेप्टिक टैंक के लिए गड्ढा बनाने का काम कर रहे थे। इसी दौरान मिट्टी धंसने से दोनों ही गड्ढे में दब गए। इन्हें बाहर निकाल लिया गया, लेकिन दम घुटने से तब तक उनकी जान जा चुकी थी। मृतक वंदना करीब 5 माह की गर्भवती थी। वहीं परिजनों के आने के बाद उनके शवों का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। ये सर वहाँ टैंक में काम कर रहे थे, 10 फुट की गहराई थी इसकी। उसमें ले आउट कर रहे थे, उसका स्टार्टर भर रहे थे, तो मट्टी गिर गई ऊपर से, तो दब गई। जी, कौन सी फैक्ट्री है और ये लोग क्या कर रहे हैं? कंपनी है। ये लोग क्या काम करते हैं? ये रोड़ी दे रहे थे, मिस्त्री का काम कर रहा था, ले आउट कर रहे थे। कितने लोग काम कर रहे थे वहाँ पर? 3 लोग कर रहे थे और बाकी दूसरी तरफ कर रहे थे। कितना गहरा गड्ढा होगा वो? 10 फुट गहरा गड्ढा। किस चीज़ के लिए बना रहे थे गड्ढा, कुछ पता? टैंक था, टैंक बना रहे थे। आप भी वही काम करते हो? जी, हम भी वही काम करते। कहाँ के रहने वाले? MP। क्या नाम है? अमानगंज थाना। रिश्तों पर वासना हावी हो रही है और इसी वजह से रिश्ते शमसार हो रहे हैं। अलवर कोतवाली क्षेत्र में हाल ही में भतीजी के साथ कार रेप का मामला सामने आया था। 6 साल की इस मासूम से दुष्कर्म करने वाला पुलिस गिरफ्त में है। वहीं अब शहर में नाबालिग पुत्री के साथ बलात्कार उसके पिता ने ही कर डाला। पीड़िता की मां ने यह आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। घटना के बाद से ही आरोपी पिता फरार है। पुलिस ने पीड़िता के बयान के साथ ही मेडिकल परीक्षण करवा लिया है। रिपोर्ट के अनुसार महिला की शादी वर्ष 2009 में हुई थी। उसके 2 पुत्री और 1 पुत्र है। 13 साल की बड़ी बेटी के साथ उसका पति काफी समय से अश्लील हरकतें कर रहा था और मना करने पर जान से मारने की धमकी देता था। 21 जनवरी की रात उसने जब फिर ऐसी हरकत की तो महिला ने उसे रोक दिया। लेकिन 22 जनवरी की सुबह करीब 11 बजे जब महिला घरेलू काम कर रही थी तो इसी दौरान पति ने उसकी पुत्री के साथ रेप कर डाला। जब पुत्री ने माँ को आप बीती बताई तो थाने में अब मामला दर्ज करवाया गया है। मेरी 2009 में शादी हुई थी, मेरी बच्ची हुई है 2011 में। उसके बाद में 5-6-7 साल की लड़की थी। 5-6 साल बाद उसने घटना की थी, कोशिश करी थी छेड़ने की। उसके बाद में इसने अभी 2013 में किया है छेड़ने की, तो मैंने केस वेस किया था। तो उस टाइम सबने घर वालों ने सबने पुलिस वालों ने समझा कर दी थी, उसको मारपीट दिया था अच्छे से, अब नहीं करूँगा। पुलिस वाला ने कहा था कि वापस अगर करता है तो हमें ज़रूर बताना, अब चांस नहीं देंगे इसको। ठीक है, मैं मान गई थी। अभी इसने 2014 में किया है 22 तारीख को बच्ची के साथ में, 2024 में बच्ची के साथ किया है। और अब इसको मैंने पूरा काम कर दिया, मेडिकल करा दिया, सब कुछ करा दिया, अभी वो फरार है। तो कहाँ भागने की फिराक में वो? अभी पता नहीं है, कहीं बाहर मतलब राजस्थान से बाहर फरार है, जाने की उसमें अभी मुझे नहीं पता कहाँ गया।
मेरी बातचीत नहीं हो रही, और उसको जल्दी से जल्दी पकड़ के फांसी की सजा कर सको तो वो करना, नहीं तो उसको सजा देना है। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं अभी आपको? पुलिस वाला कह रहे हैं कि हम पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं अभी पकड़ने की, अभी एक बार मेडिकल की जांच और आ जाए तो पूरा काम क्लियर। और वहीं राजगढ़ थाने में एक विवाहिता के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। पीड़िता ने अपने पड़ोसी के खिलाफ यह रिपोर्ट करवाई है। घटना 30 जनवरी की बताई जा रही है। पीड़िता का यही भी आरोप है कि आरोपी ने फोन पे से उसके 1,00,000 रुपए खुद के नाम ट्रांसफर करवा लिए। पुलिस ने दुष्कर्म के साथ ही SC ST एक्ट में भी मामला दर्ज किया है। वहीं DSP उदय सिंह मीणा प्रकरण की जाँच कर रहे हैं। बाड़मेर के पूर्व सांसद मानवेंद्र जसोल और उनके परिवार के साथ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसे की चर्चा बनी हुई है। मानवेंद्र देश के रक्षा मंत्री रहे स्वर्गीय जसविंद सिंह के पुत्र हैं। वहीं गत रात्रि करीब 10 बजे घायल मानवेंद्र जसोल और उनके पुत्र को गुरुग्राम के पारस अस्पताल ले जाया गया। इससे पूर्व उनका सोलंकी अस्पताल में इलाज चल रहा था। इसके अलावा उनके चालक दिनेश रावत का भी सोलंकी अस्पताल में इलाज हुआ। गौरतलब है कि इस दुर्घटना में मानवेंद्र जसोल की पत्नी चित्रा सिंह की जान चली गई थी। उनके शव को उनके निवास स्थान बाड़मेर भेज दिया गया है। इसके अलावा इस हादसे का CCTV वीडियो सामने आया है। इसमें प्रतीत हो रहा है कि वाहन चला रहे व्यक्ति को झपकी आने से यह हादसा हुआ है। वजह यह है कि इस गाड़ी के आगे या पीछे कोई अन्य वाहन नहीं था और अचानक से कार मूडी एवं डिवाइडर से टकरा कर दूर जाने के बाद दूसरे डिवाइडर को वाहन ने हिट किया। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेज सिंह ने भी इस बारे में जानकारी प्रदान की। बिल्कुल, अभी एक सोशल मीडिया पर मैंने वीडियो देखा था और संभवतः ऐसी एक्सीडेंट का प्रतीत होता है। उसमें गाड़ी स्पीड से जा रही है और अपने राइट हैंड साइड में जो दोनों रोड्स के बीच में जो खाली जगह होती है डिवाइड, उसमें मूव करती है और सामने जो आपकी पुलिया है उसको जोर से हिट करती है। इतना वीडियो में प्रतीत हो रहा है। और जैसे बात हुई जो इंजर्ड थे उनसे, और उसमें जो प्रोफेशनल ड्राइवर है उसी का चलाना अभी तक पाया गया है, तथापि पूरे बिंदु हम जांच कर रहे हैं अभी। हाँ, इसमें दो एयरबैग खुलना पाया गया है जो हमारे नॉलेज में आया है, बाकी एयरबैग क्यों नहीं खुले इस संदर्भ में भी टेक्निकल जांच करेंगे। बिल्कुल नीट वेस्ट यहाँ पर इलाज दिया गया था और फिर जैसे डॉक्टर्स को लगा उन्होंने उनको पारस हॉस्पिटल है आपके गुड़गांव के पास, वहाँ गुड़गांव में वहाँ रेफर कर दिया गया। वहाँ पर वो रात में पहुँच भी गए थे, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था और जो डेड बॉडी थी वो उनकी जो पेरेंटल जो निवास है वहाँ के लिए रवाना हो गई। बहरहाल ऐसे हादसों के पीछे कहीं ना कहीं तेज रफ्तार भी वजह है। बताया जाता है कि यह गाड़ी भी खासी तेज गति से चल रही थी। इसके लिए जरूरी है कि एक्सप्रेस वे पर जगह जगह स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं, साथ ही थके हुए और उनींदे होने की स्थिति में ड्राइविंग ना की जाए। इसमें कॉम्बैट करने के लिए दो हमने हाईवे मोबाइल लगाई हुई है, वो रेगुलरली मूव कर रही हैं और कहीं कोई वाहन पार्क नहीं हो इसको मॉनिटर करती हैं और नो पार्किंग के चालान बना रही हैं। वो लोगों को गाइड कर रही हैं दोनों तरफ जो टोल्स हैं वहाँ समझाइश कर रही हैं कि आपको किस लेन में चलना है और कितनी स्पीड में चलना है, और तथापि साइनेज भी लगे हुए हैं और साइनेज बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इंटरसेप्टर भी वहाँ लगातार रहती है जो ओवर स्पीड की चालान करती है और उसमें और हम स्पीड अप करेंगे इस कार को। वहीं इसी घटनाक्रम में यह बात भी सामने आई है कि गाड़ी में जा रहा इस परिवार का पालतू श्वान बाल बाल बच गया। मानवेंद्र जसोल के पुत्र के कहने पर एक कांग्रेस कार्यकर्ता इस श्वान को लेकर सोलंकी अस्पताल पहुंचे। वहीं अस्पताल में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय सिंह नरूका और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अलावा कांग्रेस एवं राजपूत समाज के अनेक लोग मौजूद रहे। किशनगढ़ वास उप कारागृह में एक कैदी की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। इसके बाद उसके शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया गया है। जानकारी के अनुसार 28 जनवरी की शाम कोटकासिम के ग्राम बीलियावास में 35 साल के अनिल सिंह को पकड़ा गया था। उसके पास से 85 पौवे अवैध देशी शराब के जब्त किए गए थे। कोर्ट ने अनिल को जेल भेजने के आदेश दिए थे। जेल कर्मियों के अनुसार जेल में आने के बाद से अनिल की तबीयत खराब थी और उसका 2 बार इलाज भी करवाया गया। इसके बाद फिर से उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया और अनिल ने दम तोड़ दिया। वहीं मेडिकल बोर्ड की टीम से शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। जेलर रामेश्वर लाल चौधरी ने इस घटनाक्रम की जानकारी दी।
बंदी अनिल पुत्र लाल सिंह पुलिस थाना कोर्ट कासिम से एक्साइज में शाम को 5:40 PM पर जेल में दाखिल करवाया गया था, जिसकी कल दिनांक 30 जनवरी को दोपहर बाद तबीयत खराब होने पर जेल पर प्रतिस्थापित नर्सिंग ऑफिसर द्वारा रेफर किया गया किशनबाज के लिए, जिसको पुलिस गार्ड द्वारा अस्पताल में उपचार हेतु भिजवाया गया। बाद उपचार के शाम 5 बजे पुनः जेल दाखिल करवाया गया, जिसकी रात्रि में पुनः तबीयत खराब होने पर मेरे द्वारा पुलिस जो गार्ड है उसके बजाय अपनी जेल गार्ड से तुरंत प्रदेश को उपचार के लिए भिजवाया गया, जिसके उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। अलवर में लूट की वारदात लगातार सामने आ रही है। शहर में लड्डू खास की बगीची निवासी एक युवक को बदमाशों ने हमला कर जख्मी कर दिया, इसके बाद 25,000 रुपए छीन कर फरार हो गए। घायल हुए मोहन कुमार को जिला अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। वहीं पीड़ित के भाई ने थाने में मामला दर्ज करवाया है। जानकारी के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र का लड्डू खास बगीची निवासी मोहन कुमार अपने घर जा रहा था, इसी दौरान घर के पास कुछ दूरी पर दीवान जी का बाग के 3 लोगों ने उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, साथ ही नकदी छीन कर फरार हो गए। तो मैं क्या है, शाम को 9 बजे से जा रहा था दुकान बढ़ाकर अपने घर। किस चीज की दुकान है आपकी? मेरी चाट की दुकान है, पपड़ी देख रही। मैं अपनी दुकान बढ़ा के जा रहा था, तो दुकान से पेमेंट लेके जा रहा था। उसके बाद मतलब कड़े के बाहर लड़के मिले थे, मेरे से मोबाइल मांगा, मैं आपको मोबाइल दिखाने कॉल कर लिए। मैंने मोबाइल दिखा दिया उसको, अब मोबाइल देने के बाद वो बोल रहे मेरे को नाम से 1,000 रुपये दे। मैंने 1,000 रुपये देने, मैंने ये 1,000 रुपये तो नहीं मेरे पास, तो उन्होंने कहा नहीं 1,000 रुपये देने पड़ेगा, नहीं तेरा फोन तोड़ दूंगा। नहीं उन्होंने नहीं, फिर उन्होंने मेरा फोन को तोड़ दिया। फोन को तोड़ दिया उसके बाद के नाम से मेरे पास मेरी मोटरसाइकिल को लात मारी, मेरे मोटरसाइकिल को लात मारी, मोटरसाइकिल को तोड़ दी। उसके बाद उन्होंने 5-6 जने तो उन्होंने लात घुसे डंडे सरिए इनसे मेरे ऊपर वार किया। एक कैलाश थे, एक उसका लड़का रोहित और एक उसका भी लड़का क्या नाम उसका नवीन, ये 3 तो जने थे ये मारने वाले, बाकी एक दो आदमी इनका नाम मैं जानता नहीं हूँ, क्या नाम था उनका। पहले से तो लेन देन की सर्विस थी क्या आपकी? नहीं लेन देन कुछ भी नहीं थी हमारे, वो क्या है रिश्तेदारी में लगते थे हमारे कुछ ना कुछ, तो ऐसे ही मैटर था और कोई भी बात नहीं। 25,000 रुपये दे दिए उन्होंने और घर पहुँच रहे हैं बरबर सी में, कह रहे हैं कह तो केस वापस ले लें, नहीं तो तेरे सारे घर के नौजवान से खत्म कर देंगे। ये धमकी दे रहे हैं आपको? हाँ जी। घर पर कहाँ चोट आई है आपके? मेरे सर वैसे बता दीजिए, ये खंधे में यहाँ मेरी ये पूरी है ना ये पसली, वैसे वैसे ये पसली तोड़ रहे थे। सर हम लड्डू खास की बगीची दीवान जी का बाग, जो कि मेरा भाई घर से आ रहा था काम पर से, तो उसको रास्ते में रोककर उससे पहले तो मोबाइल मांगा है, मोबाइल मांगने के बाद उसने मोबाइल उसको दे दिया। उसके बाद में उसने 1,000 रुपये उससे मांगे, 1,000 रुपये नहीं देने पर उसके मोबाइल तोड़ दिया। मोबाइल तोड़ने के बाद में उससे उसकी जेब में 25,000 रुपये थे, उसने उससे वो छीन लिए और उसके पास उन्होंने लाठी डंडों और लात घूसों से उन्होंने मतलब वार कर दिया उनके ऊपर, तो उसकी हालत गंभीर है और वो अस्पताल में सरकारी अस्पताल में भर्ती है। कितने पैसे लूट ले गए उनसे? 25,000 रुपये सर। हाँ जी। क्या काम करते हैं सर? उनकी दुकान है चूड़ी मार्केट में फास्ट फूड की। फास्ट फूड? हाँ जी सर। हाथ में लगी है, पैरों में लगी है, सिर पे भी चोट आई है उनके। कौन लोग थे वो? सर यहाँ पर मतलब इसके नंबर 10 में इनके मतलब दारू बेचते हैं वो अनलीगल, तो उन्होंने मारा है इनको, रोहित नवीन और कैलाश। अलवर के महिला अस्पताल में 2 दिन की नवजात बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार बच्ची का जन्म 29 जनवरी की सुबह हुआ था। यह नवजात और उसकी मां जनाना अस्पताल में भर्ती थे। बच्ची के पिता प्रेम प्रकाश भाटिया के अनुसार पैदा होने के बाद से उसके रोज हाथ और पैर में 2 इंजेक्शन लग रहे थे। 30 जनवरी को पैर में इंजेक्शन लगाया गया, लेकिन हाथ वाला इंजेक्शन खत्म हो गया था। जब प्रेम प्रकाश ने चिकित्सा कर्मियों से आग्रह किया तो उन्होंने एक दिन बाद इंजेक्शन लगाने की बात कही, लेकिन गत रात्रि करीब 12 बजे बच्ची का शरीर काला पड़ गया और उसकी जान चली गई। इसकी शिकायत करने पीड़ित मंत्री संजय शर्मा के आवास पर भी पहुंचा।
इसके अलावा डॉक्टर को भी शिकायत की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब प्रेम प्रकाश भाटिया ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया है। डॉक्टरों की लापरवाही से हुआ है, डॉक्टरों ने देखा नहीं, चेकअप नहीं करा, बच्ची दो दिन से रो रही है, माँ का दूध नहीं पी रही, कुछ नहीं कर रही, तड़प रही है बेचारी। डॉक्टर मैंने टेक चंद डॉक्टर से बात करी, भैया से ऐसे ये बात हो रही है, उसने बोला मैं करता हूँ, भेजता हूँ, खुद आया नहीं एक बार भी देखने। ऑपरेशन के बाद तो उसने पड़ला जा दिया, जैसे एक बार भी वो देखने नहीं आया, करने नहीं आया। मैं बच्चे को रात की मेरी बच्ची गुजर गई है, बेटी हुई थी मेरी, और ये इन्होंने गलत इंजेक्शन लगाया टीके का, और एक जिसने लेडीज ने लगाया है, नर्स ने, उसने फ़ोन पे लीड लगा के फ़ोन पे बातें कर रही है, मस्ती मारते हुए फ़ोन पे बात करते हुए इसको लगाया, गलत लगाया, कैसे लगाया भगवान जानते हैं, तो ऊपर वाला जानता है क्या है क्या नहीं है। मैं भागा भागा डॉक्टर के पास गया, जो सीनियर था बच्चों का डॉक्टर, उसने बोला कि ये तो ऑक्सीजन चढ़ाते हैं, ऑक्सीजन चढ़ाते हैं। मैंने कहा ऑक्सीजन क्या चढ़ाते हैं, जब बच्चे की धड़कन ही नहीं है, सांस ही नहीं है, बच्चे ने हाथ ही ऊपर कर दी है, सारा चेहरा ही उसका काला हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी देखो सर आप बोले नहीं है, तो आप सही बोल रहे हो आप, ये तो खेल ख़त्म हो गया। मैं इंजेक्शन हाथ का लगना था, कल पैर का भी लगना था, हाथ का भी लगना था, और दवाई पोलियो भी पिलानी थी, वो तो कर दी, हाथ का भी इंजेक्शन नहीं था इनके पास। मैंने कहा ये तो स्टॉक रहता ही है, सरकारी उसमें है, हॉस्पिटल दिखा रहे हैं, कोई प्राइवेट तो है नहीं। मैंने कहा नहीं है तो आप मंगवाओ, बोले नहीं है तो कल आना आप। अच्छा, हमको मेरे को ऐसे बोल के टाल के नहीं भेज दिया। कौन थी यहाँ पे, कोई नर्स थी कोई क्या था? नीचे मैं बच्चों के दिखाने गया था, वो कोई लेडीज थी, वो बोली खत्म हो गया इंजेक्शन हाथ का। मैंने कहा मंगवाओ तो इंजेक्शन स्टॉक। वार्ड में कौन था इंचार्ज उस समय? कोई भी नहीं था यहाँ पे, मेन कोई लड़का बैठा हुआ था। क्या आपने इसकी शिकायत किस किस से की अभी? मैंने तो अभी अधिकारियों सबों से करी है, संजय शर्मा मंत्री से करी है, जूली शर्मा से, जूली से करी है, और अधिकारियों से करी है। संजय शर्मा ने क्या कहा? संजय शर्मा तो फोन पे पहले बात करी, उसने फिर फोन बंद कर दिया, कोई बात नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। कुछ ये कहा, कुछ और भी कहा था कि किसी और से बात कर रहा है फिर? कुछ नहीं बोले, मैं तो हूँ नहीं अभी यहाँ पे, मैं अभी यहाँ पे हूँ नहीं, आप है ना, मैं करता हूँ अपने पीए से बात करता हूँ। पीए तो इनकी भाषा बोल रहे हैं डॉक्टर, पीए क्या कह रहे हैं? पीए बोलता नहीं है तुम्हारी लापरवाही से हो। मैंने कहा कोई अपना बच्चे को मारेगा क्या, बताओ आप, वो तो डॉक्टर की, आप डॉक्टर जो मेन है वो फोन नहीं उठा रहा, बात नहीं कर रहा, और आज छुट्टी लेके बैठ गए। किशनगढ़ वास में एक व्यक्ति ने शराब के नशे में जहरीली दवा का सेवन कर जान दे दी। जानकारी के अनुसार 35 वर्षीय पवन सिंह पेशे से चालक था और शराब का आदी था। मंगलवार शाम जहरीली दवा के सेवन के बाद उसे किशनगढ़ वास अस्पताल ले जाया गया। बाद में सामान्य चिकित्सालय में उपचार के दौरान पवन सिंह ने दम तोड़ दिया। मृतक के परिवार में दो बच्चे हैं। उधर किशनगढ़ वास पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। मृतक के साले भोला राम ने घटनाक्रम की जानकारी दी। मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी, हम तो दसवां था, उस पर पूरे दिन वही थे, जैसे मतलब लोगों का आना जाना था हाँ ससुराल में, पर ये वहाँ से आके और इसने कहीं ड्रिंक व्रिंक की है क्या किया, अब पता नहीं इसने क्या किया है। हमारे पास इसके किसी दोस्त का फोन आया कि आप तुरंत किशनगढ़ आ जाओ, मैं फिर वहां से भाग के किशनगढ़ गया, आगे देखा तो इसने, डॉक्टर बोले इसने पॉइजन ले रखा है कोई, फिर इसको वहां से मैंने फटाफट इसको लेके अलवर आ गया। बस यहाँ आने के बाद पूरी रात 11 12 1 2 बजे तक बातें चीतें कर रहा, वैसे ही नॉर्मल हूँ मैं, ठीक हूँ ठीक हूँ ठीक हूँ। 3 बजे ये पता चला कि इसके पेट दर्द हुआ है, डॉक्टर ने इसके एक इंजेक्शन लगाया दर्द का, उसके बाद सुबह इसको हिलाया पता ही नहीं चला। अलवर के सागर जलाशय में बड़ी संख्या में मछलियों की मौत हो रही है, ऐसे में प्रदूषण भी फैल रहा है। जागरूक नागरिक एडवोकेट लेखराज और पंकज सावरिया के अनुसार भारी गंदगी की वजह से सागर तालाब में मछलियों की जान जा रही है। यहाँ पर बैठने वाले समाज कंटक भी गलत चीजों का सेवन करते हैं और गंदगी को सागर जलाशय में फेंक देते हैं, ऐसे में प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। गौरतलब है कि सागर के पास ही मूसी महारानी की छतरी भी स्थित है, साथ ही म्यूजियम भी करीब में है, ऐसे में यहाँ पर्यटक भी आते हैं, लेकिन मछलियों की मौत से प्रदूषित माहौल के चलते उन्हें भी परेशानी हो रही है। जलाशय है और बहुत ही सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल के अंदर आता है, यहाँ पर सैलानी देश विदेश से भ्रमण के लिए आते हैं, और जो सागर जलाशय है उसके अंदर जीव है वो पनप रहे हैं, मछलियाँ हैं। जिस प्रकार से नगर निगम द्वारा इन पर्यटन स्थलों की अपेक्षाएं की जा रही है, उससे यहाँ पर लगातार गंदगी पनप रही है, और उन गंदगी के बदस्तूर हालात के चलते ये हमारे जो जीव हैं वो मरणोसन्न स्थिति में आ चुके हैं। तो अभी देखा है हमने यहाँ पे मीडिया के साथ ही आपके द्वारा भी कि यहाँ पे कई मछलियाँ जो हैं
सागर जलाशय पर मरी हुई हैं जो पाल के ऊपर है। बहुत सारे वकील साथी बैठे होते हैं, न्यायाधीश बैठे होते हैं और इस सागर जलाशय में वर्तमान में ये स्थिति हो रही है कि इसमें इतना सारा कचरा पड़ा हुआ है कि देखने पर ही थोड़ी सी गंध महसूस होती है और इसमें विभिन्न प्रकार की जो मछलियाँ उत्पन्न हो रही हैं, बीज डाला जाता है उनमें गंदगी, अत्यधिक गंदगी के कारण मछलियाँ जो विभिन्न सैकड़ों की संख्या में मर रही हैं और सरकार प्रशासन जो है वो इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। शाम के समय भी यहाँ पर असामाजिक तत्व बैठते हैं जो उस गंदगी को इसमें ही डाल देते हैं जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ भी उत्पन्न होने की संभावना है और फैल रही हैं। साथ ही ये जो क्षेत्र है सागर है, यहाँ विभिन्न देशों से विदेशी यहाँ पर्यटन के लिए घूमते हैं, काफ़ी अच्छा नज़ारा है, यहाँ देखने में बड़ा खुशी महसूस होती है। तो इसको देखते ही सागर में जो गंदगी है इसको देखते ही जो विदेशी सैलानियाँ हैं एक भाव सा उत्पन्न नहीं होता, अलग सा महसूस होता है कि अलवर ज़िले में इतना अच्छा स्थान होते हुए भी यहाँ गंदगी इतनी फैली हुई है। मांग है प्रशासन से भी कि बार बार इस पर ध्यान दिया जाए। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा का कहना है कि पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में भी अलवर के संदर्भ की बात करें तो कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था, साथ ही लोकसभा क्षेत्र के पर्यवेक्षक धर्मेंद्र राठौर हाल ही में बैठक ले चुके हैं। मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस ने सही प्रत्याशी को मैदान में उतारा तो निश्चित तौर पर कांग्रेस जीतेगी। और हमने जिले में पूरे लोकसभा क्षेत्र में ये माहौल बना दिया जनता के साथ मिलकर के, हमारी पार्टी के पदाधिकारियों से मिलकर, कि अगर टिकट वितरण सही तरीके से कर दिया तो निश्चित रूप से अलवर लोकसभा से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। और हमारे जो AICC के ऑब्जर्वर हैं धर्मेंद्र राठौड़ जी, वो पिछले 3-4 दिन अलवर ज़िले में ही थे। हमने पिछले 3 दिन में 4 विधानसभा क्षेत्रों में दौरे कर लिए, 8 ब्लॉकों में दौरे कर लिए और जनता का माहौल अच्छा है, जनता का रुख अच्छा है। इस राम लहर के बावजूद भी जनता कांग्रेस पार्टी को जिताना चाहती है। अब तय तो आलाकमान को करना है, भाई टिकट जिताऊ को और टिकाऊ को दे दे तो जनता का मन कांग्रेस की सीट जिताने का। बिल्कुल हर कार्यकर्ता कमर कस के और तैयार खड़ा हुआ है। और वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार लोकसभा चुनाव को देखते हुए पूर्व मंत्री ममता भूपेश को अलवर के लिए पर्यवेक्षक लगाया गया है। वह 1 फरवरी को दोपहर 12 बजे सर्किट हाउस में कांग्रेस जनों से मुलाकात कर चर्चा करेंगी। हमारे अलवर लोकसभा में ममता भूपेश जी को लगाया है और वो कल आ रही है 1 तारीख को, और जो भी हमारे कांग्रेस के साथी जो सांसद का चुनाव लड़ने के इच्छुक हों वो उनसे मिलकर अपनी बात रख सकते हैं, उनको अपना बायोडाटा दे सकते हैं। कल 12 बजे के करीब अलवर आएंगे। सर कहाँ पर बैठेंगे, कहाँ पर? सर्किट हाउस नहीं, वो केवल कल आ रही है। अच्छा, लोगों से मिल ले, जायजा ले रहे कि कौन कौन व्यक्ति चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और उनमें कौन जीता हो सकता है, उस पर फिर हमारे भंवर साहब और प्रदेश नेतृत्व तय कर लेंगे, जिसको भी वो लड़ाना चाहेंगे उसको लड़ा देंगे। जिला कांग्रेस कमेटी का और हमारे सभी पदाधिकारियों का तो एक ही उद्देश्य है कि हमारे नेता भंवर जितेंद्र सिंह जी, माननीय खड़गे साहब, गोविंद डोटासरा जी, गहलोत साहब, पायलट साहब, ये सब लोग मिलकर के जो कैंडिडेट तय कर देंगे, पूरी जी जान से मेहनत करके हाथ के सिंबल को जिता के लाना है। वो संगठन अपना काम कर रहा है, निश्चित रूप से पार्टी जिसको भी हाथ का सिंबल देगी हम उसको लोकसभा चुनाव जिता के लाएंगे। जिले में माहौल अच्छा है। जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव अनवर साजिद खान ने कहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र द्वारा जांच एजेंसियों के जरिए सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। नीतीश कुमार को भी इसी रणनीति के तहत भाजपा गठबंधन में शामिल किया गया है। उन्होंने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के आरोप भी लगाए। देखिए, निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन से केंद्र की मोदी सरकार घबराई हुई है और उसकी कोई नब्ज होगी माननीय नीतीश जी की, और नीतीश जी का तो जो लोग उन्हें पलटूराम कहते हैं तो वो भरोसे का आदमी नहीं है। लेकिन अब कांग्रेस का ये दायित्व बनता है कि वो सारे जो विपक्षी दल हैं समान विचारधारा के,
जो जिनमें राष्ट्र हित में जो सोचते हैं उनको इकट्ठा करके चलने की, और ये ईडी है, सीबीआई है, इन सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर मोदी जी निश्चित रूप से सच की आवाज़ को दबा रहे हैं। आप सब लोगों ने देखा है किस तरह से, जिस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को जो जनसमर्थन मिल रहा है, जन सैलाब जो उमड़ रहा है, उससे घबरा कर आसाम में किस तरह से यात्रा में बाधाएं पहुंचाई गई। ये ईडी से सीबीआई से इनको डरा रहे हैं, लेकिन माननीय लालू जी और जो दूसरे जो विपक्षी घटक दल के हैं वो बिल्कुल भी इस चीज़ से घबराने वाले नहीं है। निश्चित से 2024 के चुनाव में मोदी जी को मुंहतोड़ जवाब देकर इनको सत्ता से बेदखल करेंगे, और सीट शेयरिंग को लेकर भी उनमें सहमति बन रही है। नीतीश जी का जहां तक सवाल है तो नीतीश जी की कोई दुखती रग होगी जिसको ईडी ने दबा दिया, उसका क्या कारण रहा होगा। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एचएल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 01442338653 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहां आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड जसवंत राय से पहले कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार स्वागत है। सरिस्का में देहरादून की टीम सभी रेंज में सर्वे कर रही है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा यह सर्वे किया जाता है जिससे वनस्पति, वन्यजीव और अन्य संबंधित परिवर्तनों का आकलन हो सके। इस रिपोर्ट के आधार पर संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। यह टीम सर्वे के लिए हर 5 साल में सरिस्का आती है। इस दौरान देखा जाता है कि सरिस्का में 5 साल में वनस्पति आदि में क्या परिवर्तन हुआ है और इसके कारण क्या हैं। इसके अलावा लकड़ी काटना रोकने और वनस्पति आदि की सुरक्षा को लेकर आसपास के ग्रामीणों को जागरूक बनाया जाता है। डिप्टी रेंजर विजय कुमार ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। बेसिकली एनवायरनमेंट से रिलेटेड वर्क होता है। इसमें रैंडमली सेलेक्टेड प्लॉट्स होते हैं हमारे, उनमें हम हर 5 साल में चेक करते हैं कि जो हमारे प्लॉट्स हैं उनमें कितना चेंज आया है। हर्ब शर्ब, क्लाइंबर्स, फॉरेस्ट फ्लोर, ये सब डाटा हम कलेक्ट करते हैं। उस बेस पे जो क्लाइमेट चेंज में उसका एक इम्पोर्टेंट रोल है, और इसके अलावा हमारा जो कार्बन डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं कार्बन से रिलेटेड, उसमें हमारी देखते हैं कि कार्बन कितनी मात्रा में वहाँ पे प्रेजेंट है, इस सब से संबंधित हमारा ये वर्क होता है। परिवर्तन हो रहा है जो हम देखते हैं कि हमारे पास जो रीजनरेशन पिछले 5 सालों में थी वो हाई एल्टीट्यूड पर शिफ्ट हो रही है धीरे धीरे। जो हमें पहले लो एल्टीट्यूड पर मिल रही थी वो धीरे धीरे शिफ्ट होकर हाई एल्टीट्यूड पर जा रही है। तो इससे साफ तौर पर पता लगता है कि वास्तव में रियली में हमारी इन्वायरमेंट है जो चेंज हो रहा है, क्लाइमेट है जो हमारा चेंज हो। तो वन्य जीवों का नेचुरल हैबिटेट है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब तो होता ही है। उनके रहने के लिए जो सूटेबल इन्वायरमेंट है वो नहीं मिल पाता है उस टाइम। वो फिर उनकी जो स्पीसीज़ धीरे धीरे, हम जो सामान्य वन्य जीवों के बारे में तो नहीं, लेकिन जो कुछ ऐसी
बहुत रेयर स्पीसीज हैं, उन पे कहीं ना कहीं इस क्लाइमेट चेंज का फ़र्क पड़ता है। सर अपने टाइगरों पे या क्या फ़र्क पड़ेगा अगर क्लाइमेट से सही है या अनुकूल सही है या कुछ फ़र्क पड़ेगा सर? इसके बारे में डीपली टाइगरों के बारे में क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इसकी तो डीपली जानकारी तो NTCA वाले दे पाएंगे। हमारा जो बेसिकली है काम वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड स्टडी है, तो उस पर ज़्यादा वो। हाँ देखो, क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है यहाँ पे, अब ज़रूरी है कि लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, कैसे नेचर के साथ अटैच होके उनको अपना कैसे अपना योगदान दे सकते हैं, नेचर के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करें, इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। ये सब आसपास के जो लोग हैं वहाँ, जो हमारे कोर एरिया के आसपास बसे हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए और इस बारे में अवेयरनेस एक डिपार्टमेंट की तरफ से भी चलनी चाहिए ताकि लोग जागरूक हो पाएं और अपना जो भी है उसमें योगदान दे सकें। उधर सर्वे की टीम में राहुल मनमोहन शर्मा और मनु कुमार सहित सदर फॉरेस्टर पवन कुमार मीणा भी मौजूद रहे। अलवर के नजर बगीचे परिसर में बुधवार को एक शिविर लगाया गया। इसका आयोजन समग्र शिक्षा संस्थान और समाज कल्याण विभाग ने किया। कैंप में कक्षा 1 से 12 तक के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे दिव्यांग बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। इन्हें कृत्रिम उपकरण प्रदान किए जाएंगे, साथ ही रोडवेज और रेलवे में यात्रा के लिए पास भी बनवाया जाएगा। शिविर स्थल पर शिक्षा विभाग के अधिकारी सहित रोडवेज और रेलवे के कर्मचारी भी मौजूद रहे। शिक्षा अलवर के द्वारा ये 2 दिवसीय दिव्यांग बच्चों के लिए चिन्हीकरण कैंप, जिसको मेडिकल असिस्टेंट कैंप कहते हैं, वो लगाया जा रहा है। इसमें आज हमने ज़िले के 8 ब्लॉक को बुलाया है। 8 ब्लॉक में जो बच्चे राज्य के विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययन रहते हैं उनको यहाँ बुलाया गया है। उनके लिए मेडिकल टीम है, रोडवेज की टीम है, रेलवे की टीम है, ये समाज कल्याण विभाग की टीम है। ये उनका चिन्हीकरण कर रहे हैं कि भाई किस दिव्यांग बच्चे को किस उपकरण की आवश्यकता है, और जब इनका आज असेसमेंट हो जाएगा तब ये टीम सूची फाइनल कर देगी और जो हमारी एलिमिको टीम बैठी है वो उनको बाद में अंग उपकरण वितरित किए जाएंगे आज के असेसमेंट कैंप के आधार पर। इसमें ऑनलाइन ज़रूरी है, अधिकतर बच्चों ने करवा के आए हैं और जिनका मान लो नहीं करवा पाए किसी कारण वो, उनके लिए यहाँ भी हमने व्यवस्था करी है, ई मित्र वालों को बुला रखा है ताकि वो SAP नंबर जारी कर दें और हाथ के हाथ उनको इधर उधर नहीं जाना पड़े। सारी सुविधाएँ एक मंच के नीचे हमने उपलब्ध कराई। क्या समय रहेगा यहाँ? ये लगभग 3-4-5 बजे तक, जब तक जो भी बच्चे आएंगे 8 ब्लॉक के, कभी भी आए वो, और उनको आने जाने का यात्रा भत्ता किराया भी दे है, और यहाँ भोजन इनके लिए, भोजन इनके लिए और इनके अभिभावकों के लिए भोजन की भी व्यवस्था की है। अलवर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन शिविर आयोजित किया। यहाँ मौजूद अधिकारी जय सिंह ने बताया कि सभी विक्रेताओं को लाइसेंस बनवाना जरूरी है। हलवाई आदि सहित मेडिकल होलसेल विक्रेताओं के लिए भी लाइसेंस आवश्यक होता है, इसी वजह से शिविर लगाया गया है। श्रीमान आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार CMHO के निर्देश में आज कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत लाइसेंस रजिस्ट्रेशन का कार्य किया जाता है, जिसमें रख रखाव के बारे में समझाया जाता है, फूड लाइसेंस सभी को बनाना आवश्यक होता है, धक्के रखने के निर्देश दिए जा रहे हैं, ये कार्य किया जा रहा है। जैसे रिटेलर, होलसेलर, सब्जी वाले, थोक विक्रेता, मेडिकल वाले, सभी जो खाद्य पदार्थ रखते हैं उनके सबके लाइसेंस बनाए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालाखेड़ा में उपखंड अधिकारी देवी सिंह ने जिला कलेक्टर के निर्देश पर निरीक्षण किया। इस दौरान अनेक अव्यवस्थाएं मिली जिन पर SDM ने नाराजगी जताई। यहां कई बेड पर फटी हुई चादर बिछी हुई थी, साथ ही टॉयलेट में गंदगी का आलम देखा गया। इसके अलावा दोपहर करीब 1:45 बजे 4 कर्मचारी अनुपस्थिति मिले, साथ ही बायोमेट्रिक मशीन भी कार्यरत नहीं है। उपखंड अधिकारी ने इसे लेकर 7 दिन में अस्पताल प्रभारी से जवाब मांगा है। इसके अलावा गैर हाजिर मिले 2 स्वीपर, 1 लेखाकार और 1 MCD काउंसलर को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। मालाखेड़ा उपखंड के मोहब्बतपुर स्थित सीनियर स्कूल में भामाशाह और पूर्व छात्रों का सम्मान हुआ। यह वार्षिक कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। वहीं सेवानिवृत्त पुस्तकालय अध्यक्ष हजारी लाल यादव ने विद्यालय को 11,000 रुपए नगद प्रदान किए। यहाँ विशिष्ट अतिथि के रूप में सरपंच कुंती देवी और उप सरपंच चोखी देवी मौजूद रही, जबकि प्रधानाचार्य डॉक्टर शशि शर्मा ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। संचालन कन्हैया लाल शर्मा द्वारा किया गया। इस मौके पर भामाशाह, विश्वनाथ शर्मा, प्रविंद शर्मा, संजय जैन, सरसू खां, सेडूराम यादव, अंजू शर्मा और सेडूराम प्रजापत सहित पूर्व छात्रों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए।
और वहीं राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल केरवावाल में प्रतिभाओं एवं भामाशाहों का सम्मान हुआ। यहां वार्षिक उत्सव के दौरान समाज सेवी इंदर सिंह गुर्जर सहित अन्य लोगों का अभिनंदन हुआ। वक्ताओं ने उम्मीद जताई कि यहां के मेधावी विद्यार्थी भविष्य में और अधिक बेहतर प्रदर्शन करेंगे, साथ ही क्षेत्र का एवं विद्यालय का नाम भी रोशन करेंगे। और बात करते हैं नारायणपुर क्षेत्र की, जहां खरखड़ी कला स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लादूवास में पारितोषिक वितरित किए गए। यहां वार्षिक उत्सव के दौरान भामाशाह सम्मान भी हुआ। इस मौके पर विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम में भगवान श्री राम की मनमोहक झांकी की सभी ने सराहना की। इस मौके पर अध्यापक लक्ष्मीकांत स्वामी सहित भामाशाहों ने स्कूल के लिए अनेक प्रकार की सामग्री भेंट की, साथ ही ग्रामवासियों ने नगद राशि का सहयोग दिया। वक्ता के रूप में विद्युत निगम के एक्सीएन किशन लाल सैनी ने प्रेरक उद्बोधन दिया। अंत में संस्था प्रधान जितेंद्र कुमार ने सभी का आभार व्यक्त किया। मालाखेड़ा भाजपा मंडल ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मंगलवार को गांधी चौक में श्रद्धा के साथ मनाई। यहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की, साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहे के नारे लगाए गए। उनके जीवन पर संगोष्ठी भी हुई। वक्ताओं ने कहा कि महात्मा गांधी के सपने पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष अशोक तिवारी, जिला उपाध्यक्ष विष्णु शर्मा सहित त्रिलोक जोशी, उदयपाल सिंह राजपूत और हरिराम चौधरी आदि मौजूद रहे। अकबरपुर ग्राम पंचायत में इन दिनों बंदरों को पकड़ने का कार्य जारी है। इसी कड़ी में लोहाटी मोहल्ले में पिंजरा लगाया गया। करीब 30 से 35 बंदर पकड़ में भी आए, लेकिन बाद में बंदर दूर भाग गए। जागरूक नागरिक फूलचंद शर्मा के अनुसार बंदर पकड़ने वाली जयपुर की संस्था गार्गी एनिमल केयर से संपर्क किया गया था। गौरतलब है कि यहाँ बंदरों द्वारा कई लोगों को घायल भी किया जा चुका है। अकबरपुर में बंदर बहुत ज्यादा तादाद में, बंदरों की मतलब हजारों की तादाद में बंदर हैं, और आए दिन बंदर यहाँ पर मतलब दो तीन आदमियों की मौत हो चुकी है, दो तीन को परमानेंट विकलांग कर चुके हैं, कपड़े नहीं सूखने देते हैं, रोटियां ले जाते हैं, फ्रीज खोल के घुस जाते हैं, आए दिन लोग किसी को छत से धक्का मारते हैं, किसी को खा जाते हैं, इस तरह का इनका चल रहा है। इसके इनसे परेशान होकर हमारे गाँव में भी कुछ लोग पकड़ रहे हैं, और हमने गार्गी एनिमल केयर एक संस्था है जयपुर की, उनसे संपर्क किया तो गार्गी एनिमल केयर वालों ने यहाँ पे एक टीम भेजी है और वो टीम आज बंदरों को पकड़ रही है। परसागाबाद सीनियर स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही भामाशाहों का सम्मान हुआ। यह वार्षिक कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई, साथ ही अतिथियों का स्वागत हुआ। प्रधानाचार्य जगदीश मीणा ने बताया कि मेधावी छात्र छात्राओं का अभिनंदन भी किया गया, साथ ही विद्यालय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। सवेरा महिला मंच ने बुधवार को सागर महिला सभा की वार्षिक आम सभा की। यह संगठन केरवाड़ा गांव में संचालित हो रहा है। सभा में 11 महिला समूहों की 135 सदस्य पहुंची, जबकि अध्यक्षता सरपंच नंदलाल द्वारा की गई। इसके अलावा कृषि विकास अधिकारी और स्कूल प्राचार्य के अलावा अनेक प्रतिनिधि मौजूद रहे। इब्तिदा संस्था के प्रतिनिधि अमरदीप ने महिलाओं से जुड़ी सरकारी योजनाओं के बारे में बताया। इस मौके पर रोल प्ले के जरिए मृत्यु भोज की कुरीति को दूर करने की प्रेरणा भी दी गई। कार्यक्रम में मंच की चेयरपर्सन शीतल, ट्रस्टी मंडल सदस्य ज्योति, संगीता और पिंकी, मंच मैनेजर गंगाराम और सहायक मैनेजर सुरेंद्र के अलावा अनेक लोग भी मौजूद रहे। आज सवेरा महिला मंच द्वारा गठित सभा सागर सभा केरवाड़ा की वार्षिक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 13 ग्रुपों से 130 महिलाओं ने भाग लिया। आज की मीटिंग में जो SHG से जुड़ने से पहले और SHG में जुड़ने के बाद में जो बदलाव महिलाओं में आया है, वो सारे महिलाओं ने दया किए हैं। इसी के साथ साथ सवेरा महिला मंच ने 5 बच्चों को सम्मानित भी किया है, जिन्होंने 10वीं और 12वीं में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण किए हैं, उनको प्रशस्ति पत्र और बैग देकर सम्मानित किया है। कुछ 15 बच्चों ऐसा है बच्चों को गर्म कपड़े वितरण किए, जिसमें जर्सी ऊनी जर्सी दी है, और HDFC जो प्रोग्राम चल रहा है जिसमें स्कूलों में जो कार्य हुआ है, कृषि पे जो कार्य हुआ है, वो सभी महिलाओं ने बताया, और कुछ बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया मीटिंग में। मीटिंग में डांस है, स्वागत गीत है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लागू होने की प्रगति को लेकर बांसूर के विधायक देवी सिंह शेखावत ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। वह विधानसभा में बोल रहे थे। शेखावत ने कहा कि इससे अलवर सहित 13 जिलों को पेयजल एवं सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार ने इस परियोजना को लेकर सही काम नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने बांसूर क्षेत्र में कांग्रेस के शासनकाल में हुए हत्याकांड के पीड़ितों को न्याय दिलवाने की भी मांग की है।
हमारे लिए पूर्वी राजस्थान में बानसूर आता है और पूरे पूर्वी राजस्थान के लिए आज सोने का सूर्य उगने जैसा आज का दिवस है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कांग्रेस की सरकार के द्वारा लटकाई गई ईआरसीपी योजना थी, उसका मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मिलकर हमारे राजस्थान के, मैं कहूँगा, भागीरथ भजनलाल जी मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी के प्रयास से ये जो लटकाई हुई योजना थी इसको मूर्त रूप दिया गया और आने वाले राजस्थान के 40% आबादी, 13 जिले और 2,80,000 हेक्टर भूमि को जो जल मिलेगा उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद देता हूं। आपको और हम सबको मिलकर इस राजस्थान को आगे बढ़ाना है। ग्रामीणों की बहुत सी समस्याएं हैं, उनको आगे रखना है। ग्रामीण जीवन सुधारे बगैर हिंदुस्तान का विकास नहीं होगा। महिलाओं के लिए मोदी जी ने 33% आरक्षण जो देश की हमारी लोकसभा और विधानसभा में किया है। किसी भी देश का विकास जब होगा जब प्राइवेट सेक्टर में जाना सरकारी सेक्टर से ज़्यादा लोग पसंद करेंगे और जब महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा जन सहभागिता में दिखेगी तभी भारत विकास करेगा। रामगढ़ ब्लॉक के तलवंडी स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में भामाशाह सम्मान एवं वार्षिकोत्सव मनाया गया। मां सरस्वती की वंदना एवं दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से रंग जमाया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में सरपंच दारा सिंह ने बच्चों का हौसला बढ़ाया। संसद प्रधान ज्योति बाला ने सभी का आभार व्यक्त किया, जबकि मन संचालन मौजी राम जैन ने किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में भामाशाह बलभद्र सिंह गोयल, कीर्ति गोयल, पीईओ करमचंद यादव, प्रधानाचार्य शुचि जैन, प्रधानाध्यापक दिलीप जैन, कैलाश यादव, दर्शन सिंह, बाबूलाल शर्मा और शिक्षक नेता केसरी सिंह गुर्जर आदि मौजूद रहे। और वहीं रामगढ़ के ललवंडी स्कूल में हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा नेता जया ऊझा ने की, साथ ही अनेक प्रमुख लोग मौजूद रहे। और यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च जिससे बनता है जी प्योर का लाल मिर्च पाउडर और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जे प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे ऐसा जे प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जे प्योर जो हर रसोई का है पहला प्यार। जे प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। 27वां अखिल भारतीय सैन्य समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा दोस्त को प्याज मंडी नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शमुदयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने गए पदयात्री के ग्राम सकट वापस लौटने पर ग्रामीणों ने अभिनंदन किया। यहाँ झाड़ूलिया मोहल्ला निवासी धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने अयोध्या तक पदयात्रा की थी, उन्हें साफा पहनाकर स्वागत किया गया। धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि करीब एक माह पहले उन्होंने अपने साथी खेडली निवासी अनुराग जांगिड के साथ जयपुर मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर में दर्शन के बाद पदयात्रा आरंभ की थी। वह 800 किलोमीटर की दूरी 25 दिनों में तय करने के बाद अयोध्या पहुंचे और भगवान श्री राम के दर्शन किए। इस पदयात्रा में दीपेश, देवेंद्र, चेतन, देवांग और रिंकू ने उनका सहयोग किया। वहीं बुधवार को गांव लौटने पर मुरली मनोहर मंदिर में कन्या पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया।
वहीं इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष कमल जैन, उपाध्यक्ष रामकरण सैनी, सुशील पागवाल, धौलियाराम सैनी, सुरेंद्र शर्मा, महेंद्र शर्मा, विमल शांति देवी और ममता देवी आदि मौजूद रहे। अयोध्या तक की पैदल यात्रा की शुरुआत की थी आज से लगभग 30 दिन पहले और 25 दिन में हम अयोध्या पहुँचे, रामलला के दर्शन किए और जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम था उसमें शामिल हुए। आज मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे अपने पैतृक गांव आने का मौका मिला। यहाँ पर हमने आज कन्या पूजन का आयोजन रखा था और कन्या पूजन का आयोजन करके और ग्रामीणों से मैं मिला, ग्रामीणों ने भव्य तरीके से मेरा स्वागत किया और मैं धन्य हूँ कि मुझे आने का मौका मिला। राजगढ़ के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित हुआ। माँ सरस्वती की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलन कर प्रधानाचार्य भारत भूषण भट्ट ने शुभारंभ किया। वही भामाशाह एडवोकेट सुरेंद्र कुमार किट्टू की ओर से 40 छात्रों को जर्सी वितरित की गई। इस दौरान बालिकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सराहनीय प्रस्तुति दी। वही प्रतिभावान छात्राओं और भामाशाहों का अभिनंदन किया गया। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राजगढ़ में वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत एवं राजस्थान गीतों की एक से बढ़कर एक रंगारंग प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर भामाशाह श्री सुरेंद्र कुमार जी माथुर एडवोकेट द्वारा गरीब बच्चों को, छात्राओं को 40 जर्सियां, गर्म जर्सियां बांटी गई और इस अवसर पर स्थानीय विद्यालय द्वारा सभी भामाशाहों का माला साफा व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया और परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राएं, प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्राएं, NSS श्रेष्ठ छात्राएं और अन्य जिला स्तर पर जीतने वाली छात्राओं को प्रतीक चिन्ह देकर के उनको सम्मानित किया और कार्यक्रम के अंत में सभी का मिष्ठान वितरण व तिजारा में विकास पथ स्थित भैरव मंदिर से अज्ञात चोर गुल्लक तोड़कर राशि निकाल कर ले गए। गत रात्रि यह घटना सामने आई है। चोरों ने गुल्लक का ताला तोड़ा और 3,350 की नकदी निकाल कर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने यहां पहुंचकर मौका मुआयना किया, साथ ही CCTV की फुटेज चेक की जा रही है। खैरतल थाने पुलिस ने अवैध शराब बेचते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी करण सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किरवाड़ी मोड़ के पास ग्राम खरोला के देशराज गुर्जर को पकड़ा गया है। उसके कब्जे से 48 पौवे बरामद हुए हैं। इसके अलावा किशनगढ़वास रोड बस स्टैंड पर ग्राम खिरगची निवासी हितेश मेघवाल को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके पास भी 48 पौवे मिले हैं। ततारपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बहरोज में खेत में काम कर रहे किसान की बिजली के करंट से जान चली गई। यहां का निवासी राजेंद्र खेत के ऊपर से जा रही 11,000 वोल्टेज की विद्युत लाइन की चपेट में आ गया। यह तार काफी नीचे लटक रहे हैं। राजेंद्र को ततारपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सामान्य चिकित्सालय में उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक परिवार में इकलौता पुत्र था और घर में उसकी पत्नी और बुजुर्ग माँ है। साथ ही 15 दिन पहले ही उसको पुत्र हुआ था। मृतक के चचेरे भाई सुरेंद्र ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। इनका नाम राजेंद्र सनोक मेरचंद, ग्राम बेरोज, तहसील मुंडा और जिला अलवर। क्या हुआ था? ये अपने कृषि के कार्य कर रहे थे, 11,000 लाइट पकड़ ली इनको। 11,000 तार कहाँ से जा रही थी? तार नीचे थे, तार काफी नीचे ढीले थे। अच्छा, ढीले बिल्कुल लूज थे। आपको सूचना कैसे लगी? वहीं पे जब ये गिर गया, जब लोगों ने देखा, जब बताया, जब वहाँ जा करके देखा तो ये गिरा हुआ था। खेतों में काम कर रहा था, खेतों में खड़ा हुआ था। धर्मनगरी नौगावा में मंगलवार को अंकिंचन कुटी राधेश्याम बाबा मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। बाबा की पुण्यतिथि पर अनेक झांकी और बैंड बाजों सहित यह कलश यात्रा प्रमुख मार्गों से निकली। श्रद्धालु महावीर शर्मा ने बताया कि पुण्यतिथि के उपलक्ष में अंकिंचन कुटी पर बाबा की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। 1008 श्री राधा बिहारी दास अंकिंचन कुटी नौगावा दिल्ली रोड पर 31 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा और भंडारों का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी समाज और सभी ग्रामवासी धर्म प्रेमी सभी ने पधार कर धर्म लाभ लिया और कलश यात्रा में भी सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, तो वो सभी आनंद का विषय है।
नौगांव के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव और भामाशाह सम्मान किया गया। माँ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष अतिथियों ने दीप प्रज्वलन किए। बालिकाओं ने लोकगीतों एवं देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। इसके अलावा प्रतिभावान विद्यार्थियों का प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर उत्साह बढ़ाया गया। प्रधानाचार्य अर्चना शर्मा ने आयोजन की जानकारी दी, जबकि मंच संचालन अंजना मेहंदी रत्ता द्वारा किया गया। इस मौके पर बचन सिंह देशवाल, ऋतुराज चौहान, शिवलाल पटेल, हितेश भारद्वाज और प्रभु दयाल शर्मा आदि मौजूद रहे। तिजारा नगर परिषद में नरेगा श्रमिकों को 7 माह से भुगतान नहीं मिल पाया, ऐसे में उन्होंने जमकर नारेबाजी की और उपखंड अधिकारी अनूप सिंह को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि प्रदेश की नई सरकार बनने के बाद पिछले 7 माह से वेतन नहीं मिला है। कांग्रेस शासन में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना गारंटी के तहत उन्हें रोजगार दिया गया था। नरेगा कामगार चंदन जाटव, कमलेश देवी, पूनम देवी, राजू देवी और सीमा आदि के अनुसार उनके सामने आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। वहीं उपखंड अधिकारी ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। 7 माह से सर इनके रुपये नहीं डल रहे हैं। एक तो 9 महीने से लेकर सर अब तक कोई रुपये नहीं डले और पहले से भी नहीं डल रहे हैं। और जो 22-23 के बजट में माननीय मुख्यमंत्री साहब ने जो बजट में जो घोषणा करा था 125 दिन का रोजगार दिया था हर लेबर को, किसी को 30 दिन का रोजगार मिला है, किसी को 20 दिन का मिला है, किसी को 2 महीने का मिला है। एक तो इनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है तिजारा नगर परिषद की तरफ से, और दूसरी बात इनका पैसा नहीं डल रहा। कम से कम 7 माह से परेशान है। अगर तिजारा नगर परिषद में हम आते हैं जैन साहब के पास तो इस बात को कहते हैं हमने हमारी तरफ से बिल को टेजरी ऑफिस जयपुर भेज दिया गया है। हमको ऐसे ही चक में देते गए और हमको पागल बनाते गए। हम यहाँ कम से कम 2-3 महीने से परेशान है और भी ज़्यादा दिन से ही, और पूरी लेबर ही परेशान है। लेबर को भी गलत तरीके से बोलते हैं ये तिजारा नगर परिषद और बदतमीज करते हैं। इधर काम नहीं दे रहे, और एक काम नहीं दे रहे। मैं जयन साहब से मैं मिला था तो मुझे जवाब दिया कि ये आगे से इसका नाम नहीं आना चाहिए। अपने छोटे अधिकारियों से कह रहे थे जयन साहब आगे से इसको ध्यान रखना कि इसका नाम भी नहीं आना चाहिए, ये नेतागिरी करता है। क्या गरीबों को पैसे दिलवाना, या इनके साथ में मैट था तो मैट के हिसाब से मैं इनके साथ आ जाता हूँ तो क्या मैं नेतागिरी कर रहा हूँ इनके साथ। कठुमा के राजकीय स्वास्थ्य केंद्र टिटपुरी पर 23 साल से कार्यरत ANM निर्मला शर्मा का अभिनंदन किया गया। इस दौरान अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। निर्मला शर्मा ने 1999 से लेकर अपनी सेवानिवृत्ति तक विभागीय योजनाओं सहित अनेक चिकित्सकीय कार्यों को अंजाम दिया। रामनगर PSC के प्रभारी डॉक्टर हिमांशु गोयल ने उनकी उत्कृष्ट सेवाओं को सराहा। इस मौके पर नेहा जैन, गिरिराज वर्मा, आरती शर्मा, सरोज मीणा, सुमन लक्ष्मीकांत हल्देनिया, CHO देवेंद्र, नीरज लेखी और चंपा देवी आदि की मौजूदगी रही। और अब बात करते हैं कोटपुतली की, जहां जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने नगर परिषद क्षेत्र का सघन निरीक्षण किया। उन्होंने डोर टू डोर कचरा संग्रहण, सीवरेज कार्य, ट्रीटमेंट प्लांट और नालों की सफाई आदि को देखा। इसके अलावा कार्य के चलते प्रभावित मार्गों की मरम्मत के निर्देश दिए। सफाई व्यवस्था में मिली कर्मियों के कारण लोक सुलभ संस्थान को नोटिस भी जारी किया गया है। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर योगेश कुमार डागुर, SDM मुकुट सिंह चौधरी और नगर परिषद आयुक्त फतेह सिंह मीणा आदि उपस्थित रहे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कारवास में वार्षिक समारोह और भामाशाह सम्मान का आयोजन किया गया। यहाँ बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए। इस दौरान मुख्य अतिथि वरिष्ठ नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में हंसराज पटेल, देवकरण करण पटेल, हीरालाल रावत, राजेंद्र रॉय और शंकर लाल कसाना आदि की मौजूदगी रही। इस मौके पर बच्चों को पुरस्कार वितरण हुआ। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। सेप्टिक टैंक में कार्य के दौरान मिट्टी में दबने से 2 कामगारों की गई जान। कहरानी की पॉलीमर फैक्ट्री में सामने आया दर्दनाक हादसा। मध्य प्रदेश निवासी मिस्त्री के अलावा 5 माह की गर्भवती महिला श्रमिक ने तोड़ा दम। पिता ने पुत्री से किया रेप और मां ने करवाई FIR। अलवर में फिर सामने आई शर्मनाक घटना। वहीं राजगढ़ में महिला से पड़ोसी ने किया दुष्कर्म। पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह को पुत्र के साथ गुरुग्राम किया रेफर। एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसे में मानवेंद्र सिंह की पत्नी की हुई थी मौत। वहीं हादसे का CCTV वीडियो भी आया सामने। और अवैध शराब के साथ पकड़े गए बंदी की किशनगढ़ वास जेल में गई जान। तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में करवाया था दाखिल। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार।
खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 01442338653 and 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहां आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत राय से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च, जिससे बनता है जे प्योर का लाल मिर्च पाउडर, और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जे प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे ऐसा जे प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जे प्योर, जो हर रसोई का है पहला प्यार। जे प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा दोस्त को प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शमु दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक।